हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृष्णा जी के लिए विंटर्स का बेड बनाएंगे। कपड़े को डबल कर लिया है, ये वेलवेट का कपड़ा लिया है। इसमें दो तरफ से सिलाई लगा रही हूँ, चाहे तो मशीन से भी सिल सकते हैं। हाथ से बनाना ज़्यादा इजी रहता है इसको, और ये जल्दी बन जाता है। 10 से 15 मिनट में बेड बन जाएगा। दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिलाई लगा ली है, अब इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से कॉटन फिल करने में इजी रहता है, इसलिए ब्रॉड वाला हिस्से को सिलाई नहीं लगाई है। इसे कॉटन फिल कर लेंगे। सब तरफ एक सी फिल करना है, ज़्यादा भी फिल नहीं करेंगे क्योंकि इसको फोल्ड करना है। इस तरह से अंदर की तरफ कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। इस बेड को ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कृष्णा जी के लिए। ये इजीली किसी भी बैग में रख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने कृष्णा जी के लिए बहुत सारे बेड, ज्वेलरी और ड्रेसेस बनाए हैं। आप मेरे वीडियोज़ को देखें और बनाएं अपने कृष्णा जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, सभी तरह की चीज़ें। इसको बंद कर दिया है। पूरे बेड में टक्स बना लेंगे। टक्स बनाना बहुत ही इजी है। बारीक बारीक टक्स बनाएंगे जिससे देखने में सुंदर लगेगा और फोल्ड करने में इजी रहेगा। इस तरह से इसको टक्स लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ऊपर की तरफ 3 इंच छोड़ के सिलाई लगा के बंद कर देंगे इसको। इसमें बारीक सिलाई लगाते जाएंगे। जिस तरफ से ओपन रखना है उस तरफ से 3 इंच छोड़ देंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे वहाँ पे। बाकी मैं सिलाई लगा के इसको बंद कर रही हूँ। सिलाई लगा ली है, अब इसको इस तरह से सामने की तरफ से बंद करेंगे। जिस तरफ से ओपन रखना है उसको सेंटर में रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। बारीक सिलाई लगा रही हूँ जिससे ये मजबूत रहेगा। अभी सामने की तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे शर्ट के कॉलर होते हैं ना, उस तरह से कॉर्नर में सिलाई लगा देंगे। इसमें 2 से 4 टाँके लगा के इसको बंद कर देंगे और सिलाई को पक्का कर देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। ये बेड बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है और कृष्णा जी के लिए काफ़ी गर्म रहता है ये। अब पिलो बनाएंगे। छोटा पिलो बना रही हूँ। 2 तरफ से सिलाई लगाएंगे इसमें। एक तरफ से ओपन रखना है कॉटन फिल करने के लिए। सिलाई को पक्का करके बंद कर देंगे। ये पक्का कर दिया है। अब इसको सीधा करके इसके अंदर कॉटन फिल कर देंगे। ज़्यादा कॉटन फिल नहीं करना है क्योंकि इसको बेड के अंदर फिक्स करना है। कपड़े को अंदर की तरफ दबा के सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पिलो बन के तैयार हैं। इसके चारों कॉर्नर में ग्लू लगा के पर्ल्स को स्टिक कर देंगे। इसको डेकोरेट कर लेंगे और इसमें कृष्णा जी ईजिली लेट सकते हैं, सो सकते हैं। बेड के नीचे साइड में लेस लगा देंगे। इसको डेकोरेट करेंगे पर्ल्स के साथ। पर्ल्स लगा रही हूँ, जैसे शर्ट्स के बटन होते हैं ना, उसी तरह से पर्ल्स को स्टिक कर देंगे। स्टिक कर दिया है। अब एक बो बनाएंगे लेस से। इस तरह से सेंटर में सिलाई लगाते हुए थ्रेड को खींच देंगे और धागे को इस तरह से सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे। इस तरह से ये बो बन के तैयार है। इसको बेड में स्टिक करेंगे। इसके ऊपर पर्ल को स्टिक कर देंगे ग्लू से। इस तरह से बेड बन के तैयार है। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप भी अपने कृष्णा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह का बेड ज़रूर बनाएं। लड्डू गोपाल जी को सुला के दिखा रही हूँ। थैंक यू।